अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। जी, बगैर टाइम ज़ाया किए ये मैं आज का जो मैं आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आई हूँ उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये कार्डिगन बनाया है। न्यू बॉर्न कह लें 0-3 साइज तक ये पूरा होगा, ठीक है। इसके स्लीव मैंने इस तरह कटिंग किए हैं और ये इसकी बैक साइड है, ये देखें सारा इसका। ये कॉलर के साथ बनाया है ये। अब मैंने इसको बनाते हुए इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, वो मैं अपलोड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक करोगे और इसको ज़रूर आप ट्राई करोगे बनाने के लिए। बहुत इजी है। और एक और बात, वीडियो अपलोड करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगी। और आप लोग जब लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा और मुझ में मोटिवेशन आती है काम करने के लिए। तो ठीक है, अब हम इसको बनाना सीखते हैं। मैंने रोबन की डबल निटिंग वूल ली है। डबल निटिंग यहाँ पे 3 प्लाई के बराबर होती है। ये देखिए, इसमें अगर आप इसको खोलते हो तो ऐसे ये थ्री टाइम ट्विस्ट हुई होती है, 3 इसकी स्ट्रेंड्स। ओके, और ये जो मेरे पास नीडल है वो नीडल मैंने ये टाइट है, यस, ये साइज 8 मेरे पास नीडल है, क्योंकि साइज 8 और ये 4 mm है। ओके, साइज 8 है। तो सबसे पहले हम इसको सीखने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका पैटर्न सीख लेते हैं, तो आसानी होगी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। पैटर्न में ये कि ये मल्टीपल ऑफ 4 पे वर्क करता है, यानी 4+4+4 जितने भी आप डालें। यहाँ मैंने सैम्पल के तौर पे 15 स्टिचेस लिए हैं और मैं इसको ऐसे करती हूँ। इसका ये है कि हमने 3 उल्टे स्टार्ट ऐसे करना है, 3 मैंने उल्टे पर्ल बनाने हैं, 1 निट करना है, 1 सीधा बनाना है, फिर 3 मुझे उल्टा बनाना है, फिर 1 सीधा, 3 उल्टे, 1 सीधा और एंड पे 3 उल्टे। 4-4 मल्टीपल से बनेंगे और एंड पे 3 हम एक्स्ट्रा डालेंगे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह आप रॉन्ग साइड भी ऐसे ही बना लें, जो सीधे हैं वहाँ सीधे बना लें, जो उल्टे हैं वो उल्टे कर लें। 2 ऐसे, ये मेरा उल्टा आया, ये यहाँ 3 सीधे हो गए और ये 3 मेरे सीधे हैं और ये 1 उल्टा, 3 सीधे, ठीक। ये मेरी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। राइट पे मैं क्या है, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। ओके, एज अ सैंपल के तौर पे। अब ये कि ये जो उल्टे हैं वो तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे ही बना लिए, और ये जो मेरा सीधा स्टिच है, जो निट स्टिच है, उसको मैंने एस 1 टाइम बनाने के बाद छोड़ना नहीं है, यॉन आगे लेके आनी है, फिर 1 बना लें, फिर ऐसे बना लेना, 1 के 3 हो जाएंगे मेरे पास। ओके, फिर मैंने 3 उल्टे वैसे ही बना लेने हैं। इधर भी ऐसे करने के बाद छोड़ना नहीं, यॉन आगे लेके आनी है, फिर ये इसको वापस बना लेना है। ओके, और ये 3 मेरे उल्टे पर्ल बने। फिर इसी तरह निट को यौन आगे, ये ऐसे 3, साइड पे मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ सीधे हैं वो सीधे बनाऊंगी, ये जो 3 बने हैं इसको मैं यार्न ओवर करने के बाद यहाँ 3 उल्टे बना लूँगी। ओके, 1 का 3 पी यार्न पीछे। अब मेरे पास 3 सीधे आ रहे हैं स्टिच, ऐसे 1, 2 एंड 3 स्टिचेस आ रहे हैं। ओके, फिर मैं यार्न ओवर लेके आऊँगी, 1, 2 एंड 3 पीछे,
1, 2 and 3 yawn आ गए 1, 2 and 3 पीछे 1, 2 and 3 ओके ये मेरी दो चार सिलाइयाँ कंप्लीट होगी पहले सिलाई पे मैंने इनको सिर्फ 3, 1, 3 किया फिर उल्टी वैसे ही डाली अब मैंने डिज़ाइन डाला अब फिर मैंने अब मेरी फिफ्थ सिलाई आने लगी है फिफ्थ सिलाई पे मैं ये करूँगी ये एक उल्टा हो गया अब ये वाला जो है वो इसके साथ मैं नीट टुगेदर कर लूँगी इन दो का एक कर लूँगी ओके और ये मिडल वाला सीधा ऐसे ही बनाना है और इसको मैं ऐसा सीधा करने के बाद इसके साथ नीट टुगेदर कर लूँगी दो को इकट्ठा कर लूँगी और ये गिर गया और ये धागा आगे करके ये मेरा उल्टा फिर मैंने धागा पीछे किया फिर इन दो को मैं नीट टुगेदर किया ये सीधा ऐसे ही कर लिया इन दो को मैंने इस सीधा करने के बाद इस साइड पे ऐसे नीट टुगेदर कर लिया ओके और ये मेरा उल्टा ऐसे ही नीट टुगेदर स्ट्रेट ऐसे ही इसको ऐसे करने के बाद इस ऐसे ही और ये मैं ऐसे ये डालूँगी ओके ये मेरी फिफ्थ सिलाई कंप्लीट हो गई है अब मुझे ये क्या करना है सिक्स सिलाई पे ये पैटर्न रिपीट होता है ओके अब सिक्स सिलाई मैं कैसे डालूँगी ये मैंने सीधा ऐसे बना लिया यहाँ जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे बनाऊँगी जो सीधे हैं वो मैं सीधे बनाऊँगी थ्री मेरे यहाँ उल्टे आ रहे थे 1 सीधा आ रहा फिर 3 मेरे उल्टे आ रहे हैं ये देखें और 1 सीधा आ रहा है 3 उल्टे 1 सीधा और ये एंड वाला ऐसे ही बना लूँगी ठीक ये पैटर्न था अब ये पैटर्न दोबारा रिपीट होना है फिर फर्स्ट लाई हम फिर वैसे ही करेंगे ये मैंने इसको और इनको पहले की तरह यहाँ 3 उल्टे करने हैं मिडल वाला मेरा सीधा हो जाएगा जैसे यहाँ था ओके फिर 3 उल्टे एक सीधा 3 उल्टे एक सीधा फिर एंड के 3 उल्टे ये फर्स्ट सिलाई ऐसे ही ओके अब नेक्स्ट सिलाई पे मुझे जो सीधा है वो सीधा डालना है जो उल्टा है वो मैं उल्टा डालूंगी सेकंड सिलाई ये स्टार्ट होने लगी है ओके यहाँ ये सीधा ये भी सीधा ये उल्टा ये 1, 2, 3 सीधे एक उल्टा फिर 1, 2, 3 सीधे एक उल्टा इसी तरह 1, 2 and 3 सीधे ओके ये सेकंड सिलाई कंप्लीट हो गई अब थर्ड सिलाई पे हमने क्या करना है थर्ड को हमने ये करना है कि जो ये जो उल्टे हैं वो तो मैं ऐसे ही उल्टे बना लूँगी ठीक ये मेरा ऐसे ही 1, 2 और ये जो मिडल वाला सीधा है उसके मैं 1 के 3 करूँगी मैंने बनाया धागा आगे किया फिर उसको बना लिया ओके धागा आगे करने के बाद ये 3 मेरे पर्ल बन रहे हैं ये जो निट वाला है इसको मैं 1 आगे किया फिर इसको बना लिया तो ये 3 हो गया ओके फिर आगे करने के बाद ये ऐसे इसी तरह फिर ये सीधा बनाया धागा आगे किया फिर मैंने बना लिया ओके ऐसे करने के बाद ये 3 उल्टे ये मेरी थर्ड सिलाई कंप्लीट हो गई अब ये कि मैं इसका फोर्थ सिलाई में उसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे 3 सीधे करने के बाद ये जो मैंने 3 बनाए थे ये इनको मैंने उल्टा बनाना है ओके अब मैंने 3 सीधे हो गए फिर धागा फिर ये 3 उल्टे 1, 2, 3 सीधे ओके ये ये मेरी फोर्थ सिलाई कंप्लीट हो गई इस पैटर्न की ओके
अब फिफ्थ सिलाई में हमने ये करना है, ये किया, इसको बनाया और ये मैंने इसके साथ नीट टुगेदर कर लेना है, दो को मैंने इकट्ठे बना लेना है। ओके, ये जो थ्री किए थे, मिडल वाला ऐसे ही सीधा आ जाएगा। ओके, और इसको मैंने इस पर इस तरह सीधा करूँगी, फिर इसके साथ नीट टुगेदर कर लूँगी, दो का एक कर लूँगी। ओके, ये फिर मेरा उल्टा आ गया, फिर इसी तरह इन दो को एक इकट्ठा बनाया, सीधा बनाया, इसको सीधा करने के बाद इस तरह बनाया, ये उल्टा, ये मेरी फिफ्थ सिलाई सारी इसी तरह डलेगी। ओके, ये और ये, अब सिक्स सिलाई में भी उसी तरह, जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं, तीन उल्टे हैं इसी तरह। ये पैटर्न मेरा अब फिर ऐसे कंप्लीट हो गया। ओके, अब फिर ये रिपीट होगा, रिपीट कैसे होगा, फिर फर्स्ट रो ऐसे ही बनेगी, तीन उल्टे एक सीधा, तीन उल्टे एक सीधा, ऐसे जैसे यहाँ इसको एक उल्टा बना लेंगे, ठीक, और ये सीधा, फिर तीन उल्टे, वन ये टू एंड ये थ्री। ओके, इसी तरह ये पैटर्न बनता चले जाना है। अब मैंने आपको पैटर्न सिखा दिया, अब जब मैं बनाऊंगी अप्लाई करूंगी तो आपको इजी होगा। अब इसके लिए ये है कि मुझे 37 स्टिच फ्रंट हाफ के लिए डालने हैं, उसके लिए धागा मैंने डबल कर लिया। ओके, धागे को डबल करने के बाद मैंने इसको इस तरह राउंड किया। ओके, और ये एक से मैंने इसका ऐसे जब वन स्टिच बनाया, ठीक, तो धागे को इधर पकड़ाया, फिर जब मैं दूसरा बनाने लगी तो ये धागा जो है, ये देखिए, ये मैं ऐसे इसके ऊपर ट्विस्ट करके फिर इसका दूसरा स्टिच ले लूँगी और इसको खींच लूँगी, दो स्टिच हो गए, 37 मुझे डालने हैं, ये थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे सेवन, इस तरह बनाओ ना तो ये जो थोड़ी सी एज लाइन है ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट सी, जरा थोड़ी सी थिक सी बनती है और अच्छी लगती है। सेवन इसके मैं 37 अब स्टिच डाल लेती हूँ। ओके, ये मैंने 37 स्टिचेस डाल के और इसकी दो सिलाइयाँ बॉर्डर की डाल दी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बॉर्डर कैसे बना रही हूँ, ठीक है, मुझे ये बॉर्डर ज़्यादा लाइक होता है। वैसे ये जब उल्टा बनाना है तो पीछे से उठा के ऐसे पीछे से ऐसे, जब सीधा बनाना है तो यहाँ से पीछे से ला के सीधा बनाना है, फिर जब उल्टा करना है ऐसे पीछे ऐसे उल्टा करना है। ओके, फिर ऐसे पीछे से ला के सीधा, फिर ऐसे, इसी तरह ये मैं बॉर्डर पूरा बना लूंगी। जी, ये मैंने सारा बॉर्डर बना लिया और अगले जो सेवन स्टिच है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन स्टिचेस मुझे बटन पट्टी के बनाने हैं, उनको मैं वैसे ही सीधा सीधा बना लेती हूँ, ऐसे सीधा सीधा, ठीक। इसको मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, फ्रंट से बनाऊंगी। ओके, करने के बाद आप फिर ये इसको पहले सेवन जो है ये मैं सीधे सीधे बनाऊंगी, ये मेरे बटन पट्टी के हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये बाकी बॉर्डर की तरह सीधा स्टिच है तो पीछे से उठाऊंगी, उल्टा स्टिच है तो भी पीछे से उठा के बनाऊंगी, ऐसे ये मैं पूरी ऐसे कंप्लीट करूंगी। ओके, ये सिलाई जी, ये मैंने इस तरह बॉर्डर की सिलाइयां कंप्लीट कर दी। अब ये जो सेवन पट्टी के हैं ये मेरी फ्रंट साइड पे है,
ये देखो इस तरह डबल स्टिच करने से ये एज ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट सा हुआ है ना। ये जो सेवन स्टिचेस हैं मैं नहीं बनाऊंगी, 1 2 हाँ, इसको मैं एक सेफ्टी पिन में लगा लेती हूँ। ये हम बाद में सेपरेट पट्टी बनाएंगे। सेपरेट पट्टी बनाने से ये होता है कि एक तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने बटन के लिए होल कितनी गैप पर बनाना है, ठीक, कितनी लेंथ है, कितने गैप पर बनाना है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और नंबर दो, जब हम ये सीधे सीधे की पट्टी बनाते हैं ना तो ये थोड़ी सी खींचती है, इसलिए मैं हमेशा, मेरी ट्राई होती है कि इसको मैं इसको खाने तो इनके मैं स्टिचेस तो इकट्ठे डाल लूँ, फिर उसके बाद इसको सेपरेट आगे लेके चलो, तो वो बहुत नीट बनती है। अब मेरी और मैं बॉर्डर की अभी और सिलाइयाँ डालूँगी, ठीक जी। ये मैंने बॉर्डर बना लिया है, इसकी मेरे ख्याल में 8 या 10 सिलाइयाँ डली हैं, ज़्यादा नहीं है। इसको मैं देख लेती हूँ ये किंच कितने इंच का है, ये तकरीबन 1 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप बड़ा भी बना सकते हो। अब यहीं से मैंने इसका, जैसे मैंने आपको डिज़ाइन सिखाया है, हमने वो डालना शुरू करना है। वो जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने 37 स्टिच लिए थे, 7 तो ये पट्टी के रह गए और ये मेरे पास 30 बाकी रह गए हैं, ठीक। अब जी, अब इस पे मैं ऐसे पैटर्न डालूंगी कि ये पहले तो मैं 2 बनाऊंगी, 2 मैं उल्टे बनाऊंगी, 1 सीधा। यहाँ मैंने 3 नहीं रखे क्योंकि पट्टी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सीधा सीधा लगना था, 1 उल्टा, ओके, फिर 3 उल्टे, 1 सीधा, ये जो रो फर्स्ट है, 3 उल्टे, 1 सीधा। इसी तरह ये मैंने पूरी कंप्लीट करनी है, 3 उल्टे 1 सीधा, और रो सेकंड भी उसी तरह, जहाँ सीधे आएंगे वो सीधे डालूंगी, जहाँ उल्टे होंगे वो मैं उल्टे डालूंगी। ये मैंने 2 सिलाइयाँ डाल ली हैं, ओके। अब रो थर्ड्स होने लगी है स्टार्ट। रो थर्ड कैसे, ये मैं ऐसे उल्टा, ये तो 1 वैसे ही बना लिया। अब ये जो सीधा है इसके मैंने 3 बनानी है, जैसे मैंने पहले बताया था, यॉर्न ओवर छोड़ना नहीं है, धागा आगे लेके आओ, फिर इसको ऐसे बना लो, सॉरी, धागा यॉर्न ओवर, धागा आगे, फिर बना ले, ओके, ऐसे, फिर 3 उल्टे, फिर 1 सीधा, सीधे पे फिर इसी तरह यॉर्न ओवर, धागा आगे लेके आओ, फिर इस तरह बना लो, ओके। जैसे मैंने आपको ये भी पैटर्न इससे पहले सिखा कर रखी हूँ, ठीक है ना। इसी तरह ये आप पूरी रो कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड पे आ जाए। फिफ्थ रो जो हमारी है उसमें मुझे ये करना है, इन 2 को नीट टुगेदर करना है। ये मैं वैसे ही बनाऊंगी और इसको सीधा करने के बाद इसके साथ नीट टुगेदर कर लूँगी, ओके, धागा आगे, फिर ये एक उल्टा, इसी तरह इन दोनों को करने के बाद ये पूरी रो ऐसे ही बना के ऐसे, फिर जो ये वाली रो जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं उल्टे बनेंगे, और हमारी 6 रो कंप्लीट हो जाएगी, वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और उसी तरह फिर रिपीट होगा, ओके। मैंने ख़त्म करके उल्टी सिलाई भी डाल दी है और ये मेरी 6 रो में ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब फिर उसी तरह पैटर्न को रिपीट करना है, वो कैसे, इसी तरह ये मैं पहले 2 उल्टे बनाऊँगी, ऐसे 1 उल्टा बना लूँगी, फिर सीधा, फिर 3 उल्टे 1 सीधा, इसी तरह आप इस पैटर्न को बनाकर इसको बनाते चले जाएं, आप 2-8 पैटर्न तक तो ये बनाए ना, फिर देखते हैं, ओके। ये मैंने उसी तरह पैटर्न को फॉलो करते करते, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, 8 टाइम मैंने इस पैटर्न को ऐसे बना लिया है। और इसकी लेंथ कितनी आ रही है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये तकरीबन 7 इंच लेंथ इसकी बनी है, ठीक है ना। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे, ये तो डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैं बनाऊंगी, यहाँ से यहाँ 3 हो जाएंगे, सॉरी 3 उल्टे, 3 उल्टे 1 सीधा। जब हम एंड पे आएंगे
तो हम दो को एक कर लेंगे। अब हमने यहाँ से कटिंग करना शुरू कर देनी है स्लीव्स के लिए। ओके, यहाँ दो का एंड कर देंगे और यहाँ मैं एक मार्क कर लूँगी ताकि हमें पता चले यहाँ कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ से यहाँ मैं एक मार्क कर देती हूँ। चले यहाँ, ठीक, यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब ये रॉन्ग सिलाई उसी तरह डाल के जो सीधे हैं वो सीधे डालूंगी, जो उल्टे उल्टे डालूंगी। फिर वापस जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो फिर मैं एक दो का एक कर दूंगी, इस तरह कटिंग शुरू कर दूंगी। अभी तो मैं ये सिलाई ऐसे ही डालती हूँ। ये देखें, मैं सीधी सिलाई डालते हुए यहाँ तक आ गई। यहाँ मुझे एक के तीन करने हैं, फिर मैंने एक, 1 2 3 स्टिच डाला। और ये नहीं मुझे कर रही, इसको मैं इकट्ठे दो का एक कर रही हूँ। ठीक, सॉरी, पीछे दो को मैंने इकट्ठा बना लिया और ये मैं ऐसे इसको बंद कर दूँगी। अब इसी तरह मैं उल्टी सिलाई डालूंगी और हर सिलाई पे यहाँ पे मैं एक एक कम करती चली जाऊंगी। जैसे मैंने एक बना के रखा हुआ है, ये देखें, एक बना के रखा हुआ है, ये देखें, मैंने इधर हर सिलाई में जब एक एक कम किया करते करते यहाँ तक इसका शोल्डर कम हो गया। ये कितने टाइम ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम ये तकरीबन हर दफ़ा ये मैंने स्टिचेस कम किए 18। और जब मैं कितने पैटर्न रिपीट पे आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब 12 स्टार्ट होने लगा मेरा पैटर्न तकरीबन, तो उस पे मैंने फिर गले की कटाई शुरू कर दी है। जी ये देखिए, ये मैंने हर दफ़ा एक एक कम किया है और यहाँ तक ये हो गया है। और इधर से मेरे 11 रिपीट पैटर्न हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब 12 स्टार्ट हुआ तो यहाँ मुझे गले नेक की कटाई करनी है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये इसी तरह, ये इसकी लेंथ दोनों की बराबर आ गई है। ओके, यहाँ हो गई है, ये देखिए बराबर हो गई है। अब मैंने कैसे कम करनी है नेक के लिए, पहले तो मैंने 3 कट करने हैं, फिर 2 करने हैं, फिर 2 और 1 1, और साथ से इधर से भी शोल्डर की कटिंग भी साथ साथ रहेगी। कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैं पहले 3 कम करूँगी, 1 2 एंड 3, 3 कम किए। अब फिर मैंने बाकी पैटर्न को, बाकी सारों को ऐसे एज पैटर्न के हिसाब से ही डालना है। यहाँ मेरे 1 के 3 होंगे, करूँगी धागा आगे, फिर 1 2 3, यहाँ फिर वो पैटर्न 1 ऐसे, और ये 2, और इधर फिर मुझे 2 का 1 करना है। याद रखें, ये एंड वाले को नहीं करना, उससे पहले करना है, ताकि जब हम इसको स्टिच करें, सिलाई करें, तो वो फिर नीट आएगी। ओके, इसको 2 का मैंने 1 कर लिया। और ये अब मैंने उल्टी सिलाई उसी तरह डालनी है जैसे पैटर्न के हिसाब से। 2 में कैसे कट करूँगी, ये मैंने उसको ऐसे 1 कट किया और ये 2। अब आपको देखो कि मुझे यहाँ भी एक कम करना था, जो पैटर्न में मैं 1 के 3 बनाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर मुझे उसका 1 करना होता है। 1 मैं इसके साथ बंद कर देती हूँ, 1 मैं इसके साथ बंद कर देती हूँ। अब ये क्योंकि इसके साथ बंद होगा तब ये सेकंड कट होगा, ये 1 स्टिच होगा अब। ओके, ये और ये 2 कट, इसको मैं बंद करूँगी तो ये ऐसे 2 कट होंगे, लगेंगे आपको 3, लेकिन एक्चुअली ये 2 कट हुए क्योंकि मैंने 1 बढ़ाया हुआ था। और ये मैंने ऐसे ही डाल लेना है, ये इसके साथ जाके कम हो गया। ओके, फिर उल्टी साइड, फिर ऐसे, फिर दोबारा 1 इसके साथ कट हो गया। अगर आपको पैटर्न डालते हुए मुश्किल लगे तो मैं आपको हर वीडियो पे यही कहती हूँ कि आप ये नीडल पकड़ लें और वूल पकड़ लें। जैसे जैसे मैं बनाती हूँ वैसे वैसे बनाओगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। समटाइम देखने में आपको लगता है ये मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको अपने हाथ से करते हो तो वो आप पे और समझ आती है, आसान लगता है। अब इन 2 को मैंने यहाँ मैंने हर दफ़ा शोल्डर के लिए 2 का 1 करते जाना है।
ओके ये देखो इसकी इस तरह कटिंग होती जा रही है और टू कट करूंगी वन एंड टू थ्री टू टू मैंने कम कर लिए अब बाकी डिज़ाइन उसी तरह मैंने पहले थ्री को कट किया फिर टू किए फिर टू किए फिर वन टू थ्री टाइम मेरा वन वन कट हुआ और यहाँ पे मेरे उतनी देर में ये सारे स्टिचेस कम हो गए और ये बंद हो गया यानी वन टू थ्री टाइम मैं अब इधर से कट करूँगी वन टू थ्री टाइम जब इधर से करेंगे तो थ्री स्टिचेस को हम वैसे ही फिर बंद कर देंगे ओके उसको पहले दो करेंगे फिर एक करके बंद कर देंगे और इस तरह हमारा ये सेकंड पैनल भी रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं इन दोनों की ये जो मैंने ये पट्टी के लिए छोड़े हुए हैं स्टिचेस फंदे छोड़े हुए हैं इनको सेपरेट बना के इसके साथ यहाँ तक अटैच करूँगी और हम बैक पैनल बनाएंगे फिर ठीक अभी तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ आपको दिखाती हूँ कि मैंने थ्री टू थ्री टू टू वन वन कर लिए अब फिर मैं यहाँ पे लास्ट वन करूँगी और मेरे पास तीन स्टिचेस रह जाएंगे लास्ट को मैंने इसका मैंने कम किया ये कम कर लिया अब जो इधर से कम होना है वो मैं ऐसे करूँगी और ये मेरे पास थ्री स्टिच बकाया रह जाएंगे ओके अब इन थ्री स्टिचेस को मैं ये तो ऐसे ही कर लूँगी इन दो का एक कर लूँगी फिर इधर मैं टू का वन बना के ख़त्म कर देती हूँ ये मेरा कट हो जाएगा यहाँ से धागा मैं कट करती हूँ जी ये देखें ये मेरा धागा कट हो गया और ये मेरी ऐसे ये बन गई ठीक ये ऐसे अब यहाँ मेरे स्लीव जुड़ेंगे ओके यहाँ स्लीव्स होंगे वो हम स्लीव्स बनाएंगे अब मेरे टू फ्रंट पैनल तो हो गए अब बारी है बैक पैनल की और इन पट्टियों की ये मैंने बैक साइड में ऐसा किया है कि 67 मैंने स्टिचेस डाले हैं इसके 67 ओके 67 इसमें फंदे डालने के बाद उसी तरह एक इंच बॉर्डर बनाने के बाद डिज़ाइन को उसी तरह डालने के थ्री मेरे इधर आए फिर वो एक वन थ्री वन थ्री वन करके डिज़ाइन डाला डालते डालते मैं एट डिज़ाइन तक जैसे कि मेरे फ्रंट पे मैंने एट डिज़ाइन तक बनाया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट डिज़ाइन तक मैंने इसको बनाया अब जब मेरा नेक्स्ट डिज़ाइन नाइन्थ स्टार्ट होने लगा ये मैंने धागे को ज्वाइन तो फिर मैंने ये करना है कि दोनों साइडों पे एक इधर काम करना है एक इधर काम करना है दोनों साइडों से मेरे कटिंग होगी बैक की जैसे ये मैं दिखा ये जैसे मैंने फ्रंट पे इसको कट करने वाली हूँ ये मैं दो का एक करने वाली हूँ ये ऐसे ओके इसी तरह फिर मैं जब सारी एंड हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ भी टू का एक कर दूंगी इसी तरह बनाते चली जाऊंगी दोनों साइडों से वन 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 इधर से भी और इधर से कम करते करते यहाँ तक आ गई हूँ और साथ साथ में डिज़ाइन भी डला है अब मैं काउंट करती हूँ आपके सामने ये कितने हो गए हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड ये 15 तकरीबन 15 टाइम ये हो चुका है अब मैं थ्री टाइम और करनी है सिलाइयाँ डालनी है तो थ्री टाइम और डालनी है ठीक है ना तो ये मुझे यहाँ से स्टिचेस ज़्यादा लग रहे हैं इससे नेक ऊपर फिर बहुत बड़ी बनेगी अब ये करेंगे हम क्योंकि बच्चे को बहुत बड़ा गला पहना हुआ अच्छा नहीं लगता हम अब दोनों तरफ जब हम पहले तो हम ये सिर्फ सीधी सिलाई पे एक इधर से और इधर से कट करते हैं अब हम ये करेंगे कि रॉन्ग साइड पे भी एक इधर और एक इधर से कट कर लेंगे इस तरह हम 18 काउंट तक ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये मैंने वैसे उठाया इस पर नहीं और इसको मैंने टू का वन दो को इकट्ठा कर लिया एक मेरा कट हो गया ठीक और बाकी सिलाई मैं पूरी ऐसे ही डालती हूँ उसको डिज़ाइन को लेके ये अब मैं जब यहाँ पहुँचूँगी तो फिर एक कट करूँगी ठीक जी अब मैं ये देखें एंड पे आ गई हूँ और यहाँ फिर मैं एक कर लूँगी ठीक ये मैंने एक किया और ये मेरा ऐसे ही बन गया इसके बाद हम पहले ये करते थे ये सिलाई वैसे ही डाल लेते थे यहाँ कोई कटिंग नहीं होती थी लेकिन दिस टाइम मैं इधर से भी जब मैं ये स्टार्ट करूँगी ये स्टिच तो मैं वैसे ही उठा लूँगी ऐसे
और इनको टू को मैं एक दफ़ा बना लूँगी, इस दफ़ा यहाँ भी करूँगी, और बाकी सिलाई मैं वैसे ही डालूँगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालूँगी, जो सीधे हैं वो सीधे डालूँगी ऐसे, और जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो फिर मैं टू को इकट्ठा कर लूँगी। ओके, ये मैं एंड तक आ गई हूँ, ये देखें यहाँ, फिर मैंने इन टू को एक कर लेना, और ये मैंने ऐसे ही बना लेना। ओके, ये देखें, अब फिर इस साइड पे, फिर यहाँ मैं दो बनाऊंगी, इधर दो कम करूंगी, फिर रॉन्ग साइड से इधर दो कम करूंगी, फिर इधर करूंगी, फिर वन टाइम और, इस तरह ये मेरे 18 काउंट हो जाएंगे, और ये मेरे ये ऊपर से ये नेक के पास से जाके नेक के पास ठीक हो जाएगा, वरना यहाँ से टू चौड़ा टू बिग होना था और ये स्मार्ट नहीं लगना था। ये यहाँ से फिर मैं आग करके ये धागा ये टू कम कर लेती हूँ। ओके, और ये हमारा डिज़ाइन यहाँ अगेन रिपीट होना था, 3131 से रिपीट होना है, ये मैं कर लूँगी। इसी तरह मैं करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने जब दोनों साइडों से ऐसे कम किया तो ये ऊपर से इतने रह गए, मुझे इतने ही चाहिए थे, क्योंकि वरना नेक ऐसे खुली होती बच्चे की इधर से। ओके, इसको मैंने दोनों साइडों से कम कर लिए, और अब ये देखिए 18 काउंट तक होगा, हमने बंद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये 18 तक हो गया, और हमारे पास स्टिच कितने रिमेनिंग रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 एंड 25, ये बिल्कुल बिल्कुल एक्सेलेंट होंगे इंशाल्लाह। और अब हम मैं इसको सारों को बंद कर देती हूँ, और ये मेरा बैक साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको सिंपल मैं इस तरह एक एक करके उठा के इसको बंद कर देती हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको बंद कर दिया दोनों साइडों से, और इसी तरह मैंने आपके सामने ये फ्रंट बनाए थे। ओके, ये एक फ्रंट हाफ ये था ये, लेकिन यहाँ मैंने पट्टी बना के सेपरेट तरीके से ऐसे ज्वाइन कर ली है। ओके, साथ साथ को मैंने ये इस तरह, और इस इनके मिडल में यहाँ पे स्लीव्स आएंगे। ओके, और इसी तरह ये पट्टी इस साइड से मैं ऐसे बना रही हूँ, ये देखें, ये सेपरेट ऐसे ये पट्टी बना रही हूँ। इसमें मैंने बटन होल लगाए, बटन होल कैसे लगाए कि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो तीन के बाद मैंने एक होल बना लिया, तीन रिजेस के बाद, फिर उसके बाद एवरी 11 रिज के बाद मैंने एक और होल बना लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब 11 तक हुआ तो एक और होल हो गया, फिर इसी तरह 1 2 3, हर 11 के बाद मैं एक एक होल बनाती चली गई और यहाँ तक, और ये मेरी को, और इसको सिया मैंने कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिया मैंने ये है कि जैसे ये देखिए, ये मैंने इधर से लिए टू, ठीक, अब मैं इधर से एक पिक करूँगी 1, और यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से 1, ये 2 हो गए, 1 एंड 2, 1 1 टाइम 1 1 टाइम, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको ये वाला 1 1 टाइम लिया, नेक्स्ट टाइम मैं ये 2 टाइम लूँगी। ये मैं आप अक्सर सिलाई में आपको बताती हूँ मैं ऐसे क्यों करती हूँ, अगर ऐसे आप करते जाओ तो समझो ये पट्टी खींचती है जो कि अच्छी नहीं लगती। हो गया, फिर यहाँ 1 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर ये मैंने 1 किया, फिर मैंने इस दफ़ा 1 किया, और अब मेरी 2। ओहो, ठीक, और अप टू, यानी कि यहाँ मैं पहले एक दफ़ा करूँगी, फिर एक दफ़ा करूँगी, उसके बाद मैं 2 को इकट्ठे ले लूँगी, अब ये को इकट्ठा करके बंद कर दूँगी। इसी तरह मैंने ये पट्टी लगाई है, मैंने इसको पहले ये 1 सिया, फिर ये सिया, फिर जब इधर थर्ड टाइम 2 को पिक कर लिया, 1 किया, 1 किया, फिर 2 इकट्ठा पिक कर लिया, इतना। ये देखे पट्टी बिल्कुल ना बहुत टाइट लूज आती है ना टाइट आती है, वरना यहाँ से पट्टी ऐसे बंद सी होती है, क्योंकि ये रिजेस आपस में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, वरना बहुत खींचे खींचे लगते हैं रिजेस। ओके, ये मेरा इसको पट्टी लगाने का तरीका है, और यहाँ अब ये बटन लग जाएंगे इधर। ओके, और ये मैं यहाँ से इसको सिक्योर करने के बाद निकाल लूँगी, मैं इसको एक दफ़ा सिक्योर करूँगी
ऐसे और इसको फिर काट लूंगी, कट कर दूंगी। ओके, और ये मेरे अब ये पैनल, दो फ्रंट पैनल और एक पैनल तैयार है। अब रह गए हैं स्लीव्स। ओके, स्लीव्स और नेक, ये मैंने इतनी स्लीव बनाई हुई है। एक्चुअली यहाँ से मैंने 37 स्टिच लिए और एवरी सिक्स सिलाई पे, यहाँ से बॉर्डर के पास एवरी सिक्स सिलाई में बढ़ाती चली गई दोनों साइडों पे, इधर से भी और इधर से भी, और अप टू 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न है। यहाँ मैंने जो ये फ्रंट और बैक है, ये मेरे एक पैटर्न थे, ये मैंने यहाँ तक एक पैटर्न फिर बनाया था और फिर इसकी कटिंग शुरू की थी। ये मैंने 7 पैटर्न बनाया है क्योंकि मैंने बाजू एक पैटर्न छोटे बनाए हैं। ओके, तो बनाने के बाद जब मैं दोनों साइड से बढ़ाती चली गई तो इधर से मेरे 51 अब हो चुके हैं। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 37 स्टिचेस डाले थे बॉर्डर, एक इंच बॉर्डर बनाने के बाद मैं इनका दोनों साइडों से एक एक बढ़ा लिया, ठीक है। ये मैंने दोनों साइडों से बढ़ा लिया। अब दूसरी मेरी रॉन्ग उल्टी सिलाई पड़ी 1, फिर मेरी एक और सीधी सिलाई पड़ी, पर ये 2 की होगी, ठीक। फिर मेरी एक फिर उल्टी सिलाई डली, ये 3 होगी। फिर मेरी एक सीधी सिलाई डली, ये 4 होगी। फिर ये मेरी उल्टी सिलाई होगी, ये 5th होगी। जब मैं 6 पे पहुंची, 6 सिलाई के स्टार्ट में, तो फिर मैंने दोनों तरफ से एक एक बढ़ा लिया। इसी तरह मैं ये बाजू बनाती चली गई और अप टू यहाँ तक ये मेरे अब तकरीबन 51 हो चुके हैं। 51 हो, 49 हो जाए, आपके जो भी हो, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके ये पैटर्न 7 होने चाहिए। ओके, और उसके बाद हम इसी तरह दोनों साइडों से इसको कम करना शुरू कर देते हैं। मैं इसको उठाऊंगी और ये 2 का 1 कर दूंगी। ओके, और ये मेरा सीधा बनेगा। अब ये फिर पैटर्न का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वाली रो चल रही है, 1 2 3, फिर 1। इसी तरह मैं जब यहाँ आऊँगी तो एक कम कर लूँगी, हर तरह इसी तरह कम करते करते, जैसे मैंने ये बैक का कम किया, इस तरह इसको दोनों तरफ से बाजू को बंद करती चली जाऊँगी। ओके जी, ये मैंने उसी तरह दोनों साइडों से एक एक कम करती चली गई और यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ जब मैं 50 काउंट पे पहुँची हूँ, जैसे मैंने बैक पे किया था, जब मैं 15 पे पहुँची थी, तो मैंने एक यहाँ भी और रॉन्ग साइड दोनों साइडों से कट करना शुरू कर दिया था। इसलिए यहाँ पे बहुत, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये बहुत बिग बिग यहाँ पे स्टिचेस बचेंगे और गला बहुत खुला बनेगा बच्चे का, ठीक है ना। और यहाँ तक इसलिए हमने इसको टाइट नहीं करना था कि ये चेस्ट में आ जाता है ना, ये पार्ट ऐसे जैसे ये देखिए, ये पार्ट जैसे चेस्ट में आ जाता है, अगर यहाँ से टाइट करेंगे तो ये हिस्सा टाइट हो जाता। अब हमने यहाँ जाके शोल्डर के पास, ये शोल्डर पार्ट होगा जब बाजू इसके साथ मिलेगा ना, तो उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा तंग कर रही हूँ ताकि गले की शेप अच्छी आए। ओके, अब मैंने 15 तक कितना देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये मेरा 15 अब ना ऐसे स्टार्ट होने लगा है। ओके, 15 मेरा स्टार्ट है, ये 15 है, 15 स्टार्ट होने लगेगा। तो मैंने फ्रंट से भी एक कम करना है और बैक से भी कम करना है। ओके, इसी तरह जब बैक पे हुआ, जैसे मैंने बैक से किया था। ओके, अब मैं इसको ये देखिए, यहाँ से भी मैं इसको कम करूँगी, 2 का 1 करूँगी और बाकी मैं उसी तरह बनाऊँगी। जी ये देखिए, ये फिर मैंने 2 का यहाँ 1 कर दिया और ये मैं ऐसे ही बना लूँगी, ठीक। ये मैं इसलिए बताया था आपको कि यहाँ सिलाई फिर अच्छी आएगी। अब यहाँ रॉन्ग साइड से पहले मैं रॉन्ग साइड वैसे ही बना लेती थी, कटिंग नहीं करती थी, अब मुझे यहाँ से भी कट करना है। यहाँ से भी मैं ये 2 का 1 करूँगी, बाकी मैं सिलाई वैसे ही डाल के, और यहाँ भी ये 2 का 1 कर लूँगी, ठीक, और ये मेरा ऐसे ही डल जाएगा। जी
ये देखिए, ये मैंने दो दो करके एंड पे मेरे ये नौ स्टिच बाकी रह गए हैं, इतने ही मुझे ऊपर शोल्डर के लिए चाहिए थे। अब यहाँ से देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, 18 तक ही मैंने बैक बनाया था, 18 ही तक ये है। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं सिंपल एक एक करके ऐसे बंद कर दूंगी और ये मेरा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। अब मैं कट करके धागे को काट लेती हूँ, थोड़ा सा गैप रख के काटेंगे क्योंकि इसी से हम स्लीव को सी लेंगे। ओके, ये मेरा हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कैसे कैसे, ये देखिए, ये इसका फ्रंट है ना, यहाँ से जब मैं इनको आपस में ऐसे सीऊंगी, ये ऐसे, ये तो ये थोड़ा यहाँ से, ये देखिए, यहाँ ये थोड़ा सा शोल्डर अंदर को हो गया और गला भी छोटा हो गया यहाँ से। ओके, ये देखिए छोटा सा, अगर हम नहीं बनाते तो इसने इतना खुला और गला भी ऐसे खुला जाना था, बच्चों के, छोटे बच्चों के फिर अच्छा नहीं लगता। ओके, अब मैं इधर से लेके यहाँ तक सीऊंगी और यहाँ फिर मैं इसका बैक पार्ट ज्वाइन करूँगी ऐसे, हर एक को मैं इंडिविजुअल ऐसे सीती हूँ। पहले मैं यहाँ को सीऊंगी, फिर इसको इधर के साथ सीऊंगी, इसके साथ फिर मैं फ्रंट जोड़ूंगी और इसी तरह मैंने ये दूसरी स्लीव भी बना के रखी हुई है उसी तरह। ओके, ये मैं सारा सी लेती हूँ यहाँ से, इसको इधर था, ये दो जो सेफ्टी पिन, जैसे मैंने कटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने पिन्ने लगा ली थी, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ऐसे जोड़ना है। ओके, इधर से बस एक इधर से पकड़ लें थोड़ी थोड़ी गैप के बाद, और कोशिश करें ये अंदर से उठाएं ऐसे अंदर से, फिर वो सिला हुआ ना फील नहीं होगा, ऐसे ऐसे यहाँ से उठाएं, ये देखें, फिर वो उनकी फीलिंग नहीं आनी, वरना वो थोड़ा सा रफ एज नज़र आएगा। बस थोड़ी थोड़ी गैप के बाद आप ऐसे सीते चले जाएं और ये एज इसके अंदर चले जाएंगे। वो साथ साथ उधर भी मेक श्योर करें कि वो बराबर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, जब ऐसे होगा तो ऐसे, हाँ, और कोशिश ये करनी है कि जब भी आप यहाँ से कटिंग शुरू करो यहाँ से, तो सारा पैटर्न एक जैसा हो, और जब आप इसको स्टिच करो तो ये पैटर्न ऐसे बराबर बराबर आए। ओके, ताकि वो स्टिच फिर ऐसे स्लाइड प्रोमिनेंट नहीं होगी। अगर ये वाला पैटर्न आप इसके साथ मिल रहा है ना, अगर यहाँ ऊपर नीचे हो जाता तो यहाँ वो अच्छी लुक, नीट लुक नहीं आनी थी। इससे जब भी आप ये कटिंग शुरू करो तो यहाँ सारे पैटर्न सेम में हो। सिक्स रो का जो पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न स्टार्ट होने पे आए। अच्छा, आपने ये, और जब आप सिलाई करो तब भी आप कोशिश करो कि ये उसके साथ पैटर्न से पैटर्न मैच हो सीते हुए। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे मैच हो गया। अब ये वाला देखिए, इसके साथ मैच होने वाला है। ये देखिए, ये ऐसे बाजू होगी और ऐसे ये सिला है, ठीक। ये पैटर्न से, ये देखें, ऐसे पैटर्न मैच हो रहा है। ओके, इसी तरह मैं ये सारे इस साइड से बैक जोड़ लूँगी, फिर इधर स्लीव जुड़ेगा बैक के, तो सारा सारा स्वेटर इसी तरह जोड़ लूँगी। लिया है ये,
इस तरह इसकी फॉर्मेशन बनी है। ये बाजू ऐसे स्टिच हो गए, ये बैक स्टिच होगी और ये बाजू इसके साथ ऐसे स्टिच हो गया, और ये हो गया गला। देखें ये गला है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको गला देखना है कि गला मैंने कैसे बनाना है। ये मेरे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस हैं। अब मैं ये करूँगी कि यहाँ तक कोशिश करूँगी मैं 25 उठाऊँ इधर तक, ये सारा, ये स्लीव्स और स्लीव्स के हाफ तक मैं, हाफ तक मैं कोशिश करूँगी मैं 25 स्टिचेस उठाऊँ। 7 ऑलरेडी मेरे पास हैं, 7 है, यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 21 20 दूसरे धागे का, ये 21 22 23 ये देखिए 24 और ये 25। ये स्लीव्स के मिडल तक तकरीबन मेरे 25 उठाए गए हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से लेके बैक सारी और ये स्लीव के यहाँ तक मिडल तक मैं कोशिश करूँगी मैं 23 स्टिचेस उठा लूँ। ओके, मुझे यहाँ से यहाँ तक उठाने, ये 1 23 डाने उठाने, 21 22 and 23। ये देखिए स्लीव्स के मिडल तक तकरीबन मेरे 23 उठाए गए हैं। थोड़े थोड़े गैप के बाद डालो, अपने आप ही उतने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं तो एक दो दफ़ा उधेड़ के भी करने पड़े तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, परेशान नहीं होना होता किसी भी बात पे। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 25 उठाऊंगी नेक तक। ओके, वन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 ये 17 18 ये एक कम हो रहा है, लेकिन एक आस कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 18 हुए हैं, डोंट वरी। 18 तो मैंने ये उठाए और 7 मेरे पास ये 18 19 20 21 22 23 24 नहीं 25 ही हो गए, 25 ये पूरे हो गए हैं, ये भी पूरे हो गए। अब मैंने इसको एक आध स्टिच इधर कम ज़्यादा हो जाए उसका प्रॉब्लम नहीं होता, ये एस्टिमेटेड होता है,
बस आप इतना इतना सोच के कर लें, ट्राई करें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। करने के बाद अब मैंने इनको ऐसे बना लिया डाल के, ओके। ये अब अगली सारी सिलाई मैंने सीधी सीधी डालनी है जी। ये देखें, अब आपने मैंने पूरी ये सिलाई डाल ली है एक, ओके। अब नेक्स्ट सिलाई भी सीधी सीधी डाल के मैंने क्या करना है, यहाँ तक तो मैं ये सीधी डालूंगी, लेकिन ये स्लीव्स के ये जो मिडल का है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको बनाऊंगी, ओके। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसको आप पूरा इसी तरह बनाना शुरू कर दें, मैंने सारी सिलाई सीधी सीधी डाल ली है। अब मैंने ये करना है कि जो मेरी पट्टी है उसके पहले मैं 3 स्टिचेस को बंद कर दूंगी, ताकि वो जब कॉलर आप बटन बंद करो तो वो एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होगा। 1 only 3 स्टिचेस, 1 2 and 3, ओके। 3 स्टिचेस मैंने बंद कर दिए और बाकी मैं सीधा सीधा इसी तरह डालना शुरू कर दूंगी सीधे सीधे। मैंने तकरीबन ये जो मेरा स्लीव है, ये स्लीव्स के मैं हाफ तक बनाया है, ओके। ये तकरीबन मैंने यहाँ स्लीव्स के हाफ तक बना लिया है इसको, और यहीं से अब फिर मैं वापस आ जाऊँगी, यहीं से मैं सीधा सीधा बनाते वापस आ जाऊँगी। इस दफ़ा फिर मैं इस स्लीव्स के हाफ तक बनाऊँगी। ये आपने गौर से देखना है, वो इसकी रीज़न ये है कि गले को मैं पीछे से ज़्यादा उठाना चाहती हूँ और फ्रंट से थोड़ा सा डीप रखना चाहती हूँ। ये देखें, ये मैं इसके इस स्लीव्स के मिडल तक मैंने ये बना लिया, ओके। अब मैं यहीं से वापस आ जाऊँगी ताकि पीछे से हमारी बैक उठे, फ्रंट इतना नहीं उठे। जब मैंने इसे पीछे से उठा के फिर यहीं से मैंने इसको बैक बनाया, ये लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक बनाया था, ओके। अब मैंने साथ में 5 एक्स्ट्रा न्यू और डाल लेने हैं इधर, 1 2 3 4 5। अब फिर मैं इधर से ही 5 को ऐड करने के बाद जब मैं यहाँ आऊँगी तो इधर से भी मैं ये 5 ऐड कर लूँगी। यहीं से मैं ऐसे रिटर्न होंगी, ये मैं यहाँ तक हो गई हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे 5 को इधर से ऐड कर लूँगी, 3 4 and 5, फिर मैं इधर से रिटर्न हो जाऊँगी। अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ठीक, ओके। अब मैं यहाँ से फिर 7 और ऐड कर लूँगी इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7, और यहीं से हम फिर दोबारा वापस चले जाएंगे। और मैं सीधा सीधा बनाते हुए जब यहाँ आऊँगी तो फिर मैं ये वाले 7 ऐड करूँगी, ओके। अब मैं यहाँ से, अब यहाँ से 7 ऐड करने लगी हूँ, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब मैं सारा बनाने के बाद फिर दोबारा मैं ये सारा यहाँ से सीधा सीधा बनाती हूँ। ये देखें, मैं यहाँ बनाते बनाते आ गई हूँ। अब मैं ये करूँगी, ये सारे जो है ना, ये सारे मैं बना लूँगी। ये कितने हैं इसमें, 3 तो मेरे कट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे ये वैसे ही होंगे, ओके। ये मैं ऐसे सारे इसके साथ बना लूँगी। अब मैं इसमें से 3 को कट कर दूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में यहाँ से भी 3 को कट कर दिया था, ओके। थ्री मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगी।
1, 2, and 3 मैंने बंद कर दिए, बाकी मैं सारी सीधी सिलाई वैसे ही डाल लूँगी। सारी मैं सीधी सिलाई डाल के जब मैं यहाँ आऊँगी तो इनको भी साथ में ऐड कर लूँगी। ओके, ये देखिए यहाँ से मैंने ऐड कर लिया था और ये सारा, अब देखो कितना छोटा सा ये खूबसूरत सा गला बन गया है। पीछे से ये हाई है, ये पीछे से हाई है, जब वायर निकलेगी तो यानी कि ऐसे होगा, और फ्रंट से आगे। अगर आप चाहते हो तो 1-2 सिलाइयाँ डाल के इस तरह भी बंद कर सकते हो, लेकिन मैं इसका कॉलर बनाना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी थिक है और कॉलर के साथ ये अच्छा लगेगा और बच्चों को तो वैसे भी अच्छा लगता है। कॉलर का ये है कि मैं ये देखिए ये 4 जो हैं 1, 2, 3, 4 तो मैं ऐसे सीधे सीधे करूँगी जो कि कॉलर की थोड़ी सी आउटलाइन सी बनाएंगे, और बाकी मैं एक जैसे बनाती हूँ, एक सीधा एक उल्टा। पहली सिलाई तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, एक सीधा एक उल्टा, फिर उसके बाद मैं इस तरह बॉर्डर बनाऊँगी ये वाला। ओके, और जब हम इधर आएंगे तो यहाँ भी 4 मैं सीधे सीधे ही डालूँगी। ये एक सीधा एक उल्टा करके आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर ले। ये 4 रह गए हैं, 4 हमने इस तरह सीधे सीधे ही बना लेने हैं, ठीक। और फिर यहाँ से हम जब वापस आएंगे तो 4 तो मैं सीधे सीधे ही बनाऊंगी, ये ऐसे उठा के ऐसे सीधे सीधे ही बनाऊंगी, और ये बकाया जो मैं रॉन्ग है उल्टा है वो मैं पीछे से ला के बनाऊंगी, जैसे मैंने बॉर्डर का बनाया, जो सीधा है वो भी मैं पीछे से ला के बनाऊंगी ऐसे, ठीक। फिर जो उल्टा है वो मैं ऐसे सीधे ला के बनाऊंगी, जो रॉन्ग है वो मैं ऐसे, इसी तरह मैं करते करते ये कॉलर बना लूँगी। ये फाइनली मैंने इसका कॉलर बना लिया है, ये देखें यहाँ लगेगा बटन। ओके, और ये देखें कितना अच्छा कॉलर बना है, पीछे से आप ये देखें इसके बिल्कुल पूरा है सारा, ये ऐसे जब आप पहनोगे तो ये ऐसे हो जाएगा जब ये बटन लग जाएगा। और यहाँ अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी ऐसे सिलाई कर लूँगी, और ये हमारा एक बच्चे का एक अच्छा सा कार्डिगन तैयार, न्यू बॉर्न का। ये देखें यहाँ से यहाँ तो मैं कटिंग करूँगी और ये मेरे यहाँ बटन लग जाएंगे, या मैं बटन लगा लूँगी। और ये मेरी कॉलर का मैं दिखाती हूँ फाइनल मैंने कैसे बनाया। ये मैंने इतनी सिलाइयाँ तकरीबन डालने के बाद फिर 3 रिजिस तक ये बना के इसको बंद किया, 2 रिजिस तक बनाया, तीसरे पे जब मैंने बंद किया तो वो ऑलरेडी ऐसे रिज बन गया। ओके, ये अब इसकी टोटल लेंथ कितनी बनती है मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 इंच बना है, और ये 1.5 इंच का मिडल पार्ट है, ये 1.5 तक का मिडल पार्ट है, और ये फ्रंट इसका यहाँ से 2 इंच तकरीबन होगा, ये 2 इंच का है, 1 इंच का ये पीछे मेरा फ़र्क पड़ गया जो कि मुझे इसको पीछे से उठाने के लिए मैंने डाला, ठीक। वरना ये होता है कि अगर आप सारा इकट्ठा ही बना दो तो पीछे से कॉलर ऐसे हो जाता है और फ्रंट से ऐसे लटका होता है। मैं आपको ऐसे रख के समझाती हूँ, अगर आप इस तरह नहीं करो जैसे ये बैंड की तरह पहले मैंने बनाया, तो कॉलर ने ऐसे होना था और इधर से ऐसे लटका होना था खुला सा, वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं बननी थी। ओके, ये इस तरह करने से जब मैं ऐसे करूँगी और ये मैं यहाँ मेरा ऐसे बटन लगेगा तो ये बंद बंद सा बच्चे के कॉलर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफर्ट लाइक हुई होगी, अगर ये लाइक हुई है तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर होगी।